friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI NetJR with All India Rank 103. Today, we are going to discuss about Kathak and a little about Pandit Birju Maharaj, जिनका कि अभी 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से. हालांकि इन्हें बताया जा रहा है कि किडनी एलिमेंट्स भी थी. सो कथक इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ही एक पार्ट है. अगर हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करें तो जीएस पेपर वन में इंडियन आर्ट एंड कल्चर में क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म में ये कवर किया जाता है. ठीक है, कथक मेजरली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है अमंग 8 इंडियन क्लासिकल फॉर्म. वो 8 इंडियन क्लासिकल फॉर्म क्या है, चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं. भरतनाट्यम, जिसका कि ओरिजिन हुआ है तमिलनाडु में, कथकली केरला में, कथक यूपी में, मणिपुरी मणिपुर में, ओडिशी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, सातरिया असम में, मोहिनीअट्टम केरला में. तो केरला ने 2 डांस फॉर्म दिए हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर को. वन इज कथकली जिसमें कि ग्रीन कलर का फेस या फेस को पेंट किया जाता है मेनली, और इसमें आंखों के हाव भाव बहुत ज्यादा होते हैं अलोंग विद द हैंड्स मूवमेंट एंड पूरे बॉडी के मूवमेंट. बट हाँ, आंखों का जो मूवमेंट होता है दैट इज मोर डोमिनेंट एज कम्पेयर टू अदर. और ज्यादातर लोग कथकली एंड कथक को मिक्स कर देते हैं, बट प्लीज मेक इट क्लियर इन योर माइंड, कथकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम केरला, कथक ओरिजिनेटेड इन यूपी. ठीक है, अलग अलग डांस फॉर्म है ये दोनों. सो कथक एक इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है जिसको कि अभी हम जल्दी से पढ़ने वाले हैं. सो कथक की बात करें तो कथक का शब्द जो है ना, कथक वर्ड आया है कथा शब्द से. कथा मतलब स्टोरी. ओके, अब स्टोरी से क्यों आया होगा? स्टोरी से इसलिए आया क्योंकि एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी की क्लास 7 की बुक हमसे ये कहती है कि 15th से 16th सेंचुरी में मेनली कथाकार्स मतलब स्टोरी टेलर्स वो होते थे. और स्टोरी टेलर्स ने क्या किया, अपनी स्टोरीज को, भगवान की स्टोरीज को या किसी भी गायन को, कविताओं को डांस फॉर्म के साथ रिलेट कर दिया. मतलब कि जब कुछ कविता बोलनी है, कुछ भी बात कहनी है अपनी, कुछ गीत गाना है, तो उसके साथ साथ वो अपना डांस भी करना शुरू करते थे, डांस के साथ उसको एक्सप्रेस करते थे. तो बहुत देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगता था और कहीं ना कहीं वो सोल को जोड़ता था, सबकी सोल को, और जो परफॉर्म कर रहा है उसकी सोल को तो जोड़ता ही था. जिसके लिए भी, जैसे मेनली देखा जाए तो ये लॉर्ड कृष्णा की वजह से, क्योंकि उनकी बचपन की कथाएं, उनकी कथाओं को प्रेजेंट करना अलोंग विद द डांस, इस तरह से ओरिजिनेट हुआ. कहा यह भी जाता है कि इसका मेन जो ओरिजिन होने का टाइम पीरियड है ना, दैट इज मेडिवियल हिंदुइज्म, दैट कम्स इन बिटवीन 500 AD टू 1500 AD. मेडिवियल हिंदुइज्म क्या है वो भी जल्दी से बात कर लेते हैं. देखिए, इससे पहले क्या था कि लोगों के मन में क्वेश्चंस बहुत थे. हिस्ट्री में थोड़ा मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ. लोगों के मन में क्वेश्चंस बहुत थे कि भाई सृष्टि कैसे बनी, अल्टीमेट पावर क्या है, मरने के बाद क्या होता है, ठीक है, ब्रह्मांड क्या है, वगैरह वगैरह. तो बहुत ज्ञानी बुद्धा भगवान थे, उनको लोग फॉलो करने लगे. ठीक है, महावीर जी को फॉलो करने लगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान के लिए ये इनको फॉलोअर. लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, लोगों ने एक शक्ति का को एक देवी का रूप दिया, देवता का रूप दिया, मूर्ति का रूप दिया. ठीक है, तब उस तरफ इंक्लाइंड होने लगे, टुवर्ड्स आइडोल्स, टुवर्ड डाइटीज, टुवर्ड्स इस तरह के गॉडेस. तो जब ये सब चीजें हो रही थी ना, उसी दौरान कथक का भी उत्पत्ति हुई है, ऐसा लिटरेचर कहता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों ने उन भगवान की, जिन्हें वो अपनी देवता देवी मानते थे, उनकी उनकी भक्ति में गायन शुरू किया, कविताएं शुरू की, और साथ साथ डांस फॉर्म भी शुरू कर दिया. इस तरह से कथक की उत्पत्ति हुई. लेकिन जब मुगल्स ने इन्वेट किया है हिंदुस्तान को, व्हेन मुगल्स इन्वेट आवर कंट्री, देन थोड़ा स्पॉइल होना शुरू हुआ ये कथक. तब तक बहुत अच्छा था, शुद्ध था, सब कुछ बहुत बहुत खूबसूरत था. लेकिन जब मुगल आए ना, तो मुगल ने क्या किया, मुगल ने एक तो पूरा जो साड़ी मतलब सॉरी जो उनका आउटफिट था, पहले तो वो पूरा चेंज कराया कथक में. पहले साड़ी लोग पहन के करते थे, ठीक है, फीमेल्स जो थी वो साड़ी पहन के करती थी. मुगल्स आए, उन्होंने अनारकली सूट वगैरह, पूरा ड्रेस कॉस्ट्यूम बदला. ठीक है, साथ ही साथ अभी तक
भगवान की भक्ति में कथक होता था, ठीक है। अब क्या होने लगा, अब उर्दू गजल पे भी कथक का कथक में कुछ चीजें मूवमेंट चेंज किए गए, सो दैट ऑडियंस मुस्लिम जो ऑडियंस थी उसको एंटरटेन किया जा सके। तो इस तरह से थोड़ा मैं अपने अवॉर्ड के मतलब इट्स अ काइंड ऑफ स्पॉइलेज, जो ओरिजिन था ना उस वैसा नहीं रहा, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पस बन गया था, बट ठीक है तो इंडियन क्लासिकल फॉर्म ही, तो अभी भी इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सअप हो गया, ठीक चल रहा था सब कुछ। लेकिन सबसे बुरा समय तब आया जब ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स उनका तो एक ही मोटो था कि भाई इंडियन कल्चर को टोटली दबा दें, टोटली खत्म कर दें, चाहे हर तरह से जो भी हर एक एक चीज को खत्म करना था उनको। उसमें से कथक डांस भी नहीं अछूता, कथक को भी ऑलमोस्ट वैनिश कर ही दिया था। जहां हर जगह कथक इस तरह से स्प्रेड अप हो चुका था, उसको आप धीरे धीरे करते खत्म करते करते ना लिमिटेड कुछ फैमिलीज तक ही रह गया था, ठीक है। जिन लोगों को ये लिगेसी आगे ले जाना था वो लोग ले गए, जिन्हें लगा कि नहीं कथक यहीं खत्म करके अपनी जीविका के लिए हमें कुछ कमाना चाहिए या कुछ और काम धंधे करने चाहिए, वहाँ उन्होंने वहीं पे कथक को छोड़ दिया और अपने दूसरे कामों में लग गए। लेकिन जिन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया उस लेगेसी को, उन्होंने उनकी वजह से कथक में ही घरानों का जन्म हुआ। घराने कौन से थे, घराने मेनली हुए लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। लखनऊ घराना के जो फाउंडर हैं वो हैं श्री ईश्वर प्रसाद, श्री ईश्वर प्रसाद जो कि इलाहाबाद के थे, ठीक है। इनके स्टोरी, इनसे रिलेटेड एक स्टोरी भी है। इनका मानना उन्होंने भी लगभग छोड़ ही दिया था कथक, बट इनका मतलब स्टोरीज ये कहती हैं कि इनके सपने में श्री कृष्ण स्वयं आए थे और उन्होंने इन्हें आदेश दिया कि तुम कथक को आगे लेके जाओ, और देखिए आगे लेके गए और आज इतने साल बाद भी अभी भी इनका नाम, इनको एज अ फाउंडर ऑफ लखनऊ घराना बोलते हैं, ठीक है। जयपुर की घराने की फाउंडर माने जाते हैं श्री भानु जी हैं। इनका मेनली तांडव, जो शिव जी का डांस, रौद्र रूप का डांस है, उसको तांडव कहते हैं, उस पर इनका मेन कह लीजिए कि बहुत अच्छा ये परफॉर्म करते थे। बनारस जानकी प्रसाद जी द्वारा उत्पन्न हुआ। रायगढ़ महाराज चक्रधर सिंह छत्तीसगढ़ के थे, वहां से इस रायगढ़ घराने की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द घरानास, कितने घरानास होते हैं कथक में और कौन कौन उनके फाउंडर हैं। नाउ एक और खासियत है जो आप लोगों को अपने दिमाग में नोट डाउन कर लें प्लीज, कि एक यही कथक ही एक ऐसा डांस है जो कि मुस्लिम जो कल्चर है उससे लिंक करता है। सिर्फ एक यही डांस है जो हिंदू और मुस्लिम के उसका लिंकअप है, ठीक है। क्योंकि बाकी और डांस फॉर्म में मुस्लिम्स ने या मुगल्स ने इन्वेड नहीं किया ज़्यादा इस कल्चर में, उनको कथक लगा सबसे प्यारा, तो उन्होंने उसमें ही थोड़ा सा अपना और चीज़ों को चेंज किया और उसे भी अपना दिया, ठीक है। कथक इज द नाउ कमिंग अप टू पंडित बिरजू महाराज जी। पंडित बिरजू महाराज जी, इनका मेन जो इनका रियल नाम था ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा, जन्म हुआ था 4 फरवरी 1937 में, निधन हुआ है 17 जनवरी 2022 में हार्ट अटैक की वजह से। घराना किस घराने का डांस फॉर्म करते थे, लखनऊ घराने का डांस फॉर्म करते थे। दिल्ली में ही रहते थे, दिल्ली में बहुत अच्छी इनका बड़ा सा सेंटर है, क्लास है, कलाश्रम के नाम से ये चलाते थे। और इनकी इतने ज्यादा ये क्यों फेमस है या इतना बड़ा क्यों इनको न्यूज में आया इनकी चीजें, असल में इन्होंने ना यही नहीं गोपी किशन भी थे, ठीक है, और पंडित बिरजू महाराज भी हैं, अब तो है नहीं थे, इन्होंने हमारे इंडिया के डांस फॉर्म को ना ग्लोबली प्रेजेंट किया था, एक तरह से जीवित रखा था ग्लोबली। मतलब बहुत लोग इंडिया में तो वैल्यू है, लेकिन इंडिया के बाहर भी हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म की बहुत वैल्यू है, तो इन्होंने उस लेवल पे प्रेजेंट किया था, इसलिए इनकी इतनी फेम है। नेक्स्ट, इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले, जिनमें से एक पद्म भूषण भी है, और अभी रिसेंटली 2016 में इन्हें बाजीराव मस्तानी जो एक मूवी आई थी उसमें भी इन्होंने कोरियोग्राफी, मूवीज में भी कोरियोग्राफी करते थे, माधुरी दीक्षित जी के साथ में, बाजीराव मस्तानी में, इन सब मूवीज में भी इन्होंने काम किया, और बाजीराव मस्तानी के लिए तो इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड 2016 भी मिला था। सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट द पंडित बिरजू महाराज जी एंड द कथक डांस फॉर्म। तो आज ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक तो
मैं खुद एक कथक डांसर हूँ, कथक के मैं नजदीक हूँ, और पंडित बिरजू महाराज जी के निधन की वजह से मुझे लगा कि आर्ट एंड कल्चर से ये वाला टॉपिक हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबली इस साल प्रीलिम्स में जरूर ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है. सो दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड इट विद यू ऑल. चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.